भाई लोग कहते हैं कि दुख बुरा होता है, क्योंकि जब आता है तो बहुत रुलाता है, बहुत परेशान करता है। लेकिन हम कहते हैं दुख तो बहुत अच्छा होता है, जब भी आता है कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। नमस्कार दोस्तों, उन्नति कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो देखिए, कभी भी आपका एग्ज़ाम होता है, कभी भी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, कभी कभी ऐसे फेज भी आते हैं, अप एंड डाउन लाइफ में चलते रहते हैं, और इस फील्ड में कभी कभी जरूरत से ज़्यादा चलते हैं। तो आपको हताश नहीं होना है, वहाँ पे आपको निराश नहीं होना है, उस गलती को पकड़ना है, उस गलती पे वर्क करना है, उसको पॉलिश मतलब उसको उसके ऊपर लग जाना है जी जान से। छोड़ूंगा नहीं कम वक्त को। इसने मेरा लास्ट टाइम मेरा कट ऑफ इतने नंबर से कम गया, इस बार तो देखना इसकी वाट लगा दूंगा। ये फीलिंग एक बार अपने अंदर लाइए, पढ़िए, मज़ा आएगा। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करता हूँ आज का अपना ये वीडियो, पार्ट 52, सेट 31 टू 36। तो पिछले वीडियो में हमने कवर करे थे सेट 30 तक, अब हम करते हैं सेट 31 से स्टार्ट, कि अकबर का जन्म कब हुआ था। काफ़ी ही बेसिक क्वेश्चन है ये वाला, और ये क्वेश्चंस आपने लुसेंट की बुक में पढ़ा भी होगा, 15 अक्टूबर 1542 को। लेकिन कहाँ पे हुआ था, सवाल ये होता है कि कहाँ पे हुआ था। तो ये हुआ था आपका अमरकोट में, याद रहेगा अमरकोट, डेट ऑफ बर्थ है इनकी 15 अक्टूबर 1542। देखिए कभी कभी कुछ एग्जाम में ना इनकी माँ का नाम पूछ लेता है, तो माँ का नाम इनका क्या था आपको पता होगा शायद, जिनको नहीं पता प्लीज वो लिख लीजिए कहीं पर अपने नोट्स जो आप बना रहे हो, तो हमीदा बानो, ठीक है, तो ये नाम लिख लो। और स्टेट पीसीएस में, खासतौर पर यूपी पीसीएस जीएस पेपर 1 में महल का नाम पूछ लेता कि किसके महल में हुआ था, तो वो थे आपके अमरकोट में, जो राणा थे, राणा बिरसाल के महल में हुआ था इनका जन्म। और इनका राज्याभिषेक कब हुआ था याद है आपको, 1556। और देखिए अकबर ने काफ़ी सारी चीज़ें करी थी, ये पर्सनैलिटी ऐसा नहीं कि इसको इग्नोर कर दिया जाए, आप अपने सिलेबस से इस पर्सनैलिटी को ना पढ़ो। दास प्रथा का अंत इन्होंने करवाया था, तीर्थ यात्रा कर समाप्त इन्होंने कराया था, जजिया कर समाप्त इन्होंने करवाया था, दीने इलाही इलाही संवत की शुरुआत ये सब इन्होंने करी थी। पिछले काफ़ी सारे वीडियो में, दो तीन वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसकी स्थापना कौन से वर्ष हुई थी। तो आज का आपका ये क्वेश्चन है कि जजिया कर कब समाप्त करवाया था अकबर ने, इसका आंसर आप मुझे भेजेंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके। क्वेश्चन पूछने का मेन मोटिव बस केवल मेरा यही होता है कि मैं आपको बस केवल ये रियलाइज करवाते रहूं पढ़ते समय कि आप कितना भूल रहे हैं। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो सोच लीजिए कि आप कितने एक्टिव सब्सक्राइबर हैं, बेफालतू में जियो का 1 GB डाटा खराब कर रहे हैं। अगर आपको आता है इसका आंसर तो यार हिम्मत करके टाइप कर दो इसका आंसर कि राइट क्या था, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं राष्ट्रगान। सबसे पहले राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था, लेकिन कब गाया गया था, 27 दिसंबर 1911, कहाँ पर, कलकत्ता अधिवेशन में। अगला पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन 1887 जो मद्रास में हुआ था उसमें अध्यक्ष बनाए गए थे। अगला पॉइंट है हमारे सामने मेहरौली, कहाँ पर, दिल्ली में पड़ता है। इसमें जो लोह स्तंभ को किसने बनवाया था, ये बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। संघ शासित प्रदेश गोवा में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, तो एग्जाम में कई बार पूछता है कि कौन से संघ शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, तो आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, तो उसका राइट आंसर है आपका गोवा। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन तब लागू किया जाता है जब राज्य का शासन संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा हो। अब बात करते हैं सेट 32, सबसे अधिक विषैली जो मछली होती है उसका नाम क्या है, उसका नाम है आपका स्टोन फिश। भारतीय आत्मा से सम्मानित साहित्यकार कौन थे, तो ये थे आपके माखन लाल चतुर्वेदी। वर्तमान में आर्टिकल 51 का में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो ये है आपकी 11।
देखिए, भारत का जो संविधान बना है वो अलग अलग देशों से कुछ खास बातें लेकर के, उनसे कॉपी करके हमने अपने संविधान में पेस्ट करा है, मतलब कि उसको अडॉप्ट करा है, गोद लिया है। कोई भी जो अच्छी बातें होती है किसी दूसरी इंसान की, वो हमको कॉपी करने में कुछ बुराई नहीं है, तो कुछ ऐसे ही संविधान हमारा बना है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपसे पूछता है कि मौलिक अधिकार किसकी देन है, तो हमने कौन से देश से इसको अडॉप्ट करा है, तो ये करा है संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगर बात करी जाए मौलिक कर्तव्य की, जो आप सामने देखा, तो ये मौलिक कर्तव्य हमने जो लिया है वो लिया है हमने किससे, रूस से, ठीक है। जर्मनी से इमरजेंसी ली है, तो हमने जापान से। कानून की जो टोटल जो लैंग्वेज है, जो भी टर्म है, कीवर्ड, ये सब हमने ले रखे हैं लॉ के जापान से। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये आपको पता भी होगा। आगे बात करते हैं, मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा कहलाती है आपकी फ्रेनोलॉजी। यूरोपीय संसद का मुख्यालय लग्जेमबर्ग है, और स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। सेट 33। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक फिरोज शाह तुगलक था, और लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप अंडोर है। संविधान निर्मात्री सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष जे बी कृपलानी थे, और 36वां संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। आर्टिकल 24 के तहत बाल श्रम का निषेध किया गया। और उसके बाद हम बात करते हैं सेट 34। आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर अरविंद घोष को कहा जाता है, और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में इनको ये नोबेल पुरस्कार मिला था, और ये मिला था इनको गीतांजलि के ऊपर। इन्होंने गीतांजलि पुस्तक लिखी थी 1911 में, और 2 साल बाद इनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला पॉइंट है, बेस्ट बेकरी हत्याकांड गुजरात से संबंधित है, और बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था जॉर्ज लैमिटियर ने। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी, और मियादी ज्वर के इलाज में प्रभावकारी दवा क्लोरोमाइसिटीन है। सेट 35। पर्वत चोटी K2 की ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर। देखिए, कुछ बच्चों को माउंट एवरेस्ट और K2 दोनों एक ही लगता है। देखिए, जो K2 जो है ना, वो भारत की सबसे ऊंचा पर्वत है K2। अगर बात करी जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा कौन सा है, तो ये है माउंट एवरेस्ट। दोनों में फर्क है। तो माउंट एवरेस्ट है तो एशिया में, नेपाल और तिब्बत को टच करता है। जो K2 होता है वो है आपका भारत में, और भारत कहाँ पर है, एशिया में। देखिए, ये तो थी आपकी K2 की ऊंचाई 8611। अगर बात करूंगा आपसे मैं माउंट एवरेस्ट की, तो इसकी हाइट है आपकी 8848। उसके बाद में आपसे सॉरी, कभी कभी आपसे कंचनजंगा पूछ लेता है, तो उसकी हाइट भी आप लिख लीजिए, 8598 समथिंग है। थोड़ा सा शायद मैं स्किप कर रहा हूँ, हाँ 8598 ही है, राइट, आप लिख लीजिएगा उसको, क्योंकि तो कुछ चीज़ें देखिए हम भी स्किप पड़ जाते हैं माइंड से। उसके बाद में आपसे पूछता है नंगा पर्वत और नंदा देवी। तो नंगा पर्वत की हाइट जो एग्जैक्ट है, ये है एक्चुअली भारत में, और इसकी हाइट है 8126। लिख लीजिए प्लीज इसको भी आप एक बार। और अगला है आपका कंचनजंगा, लिखवा दिया मैंने 8598 शायद मैंने लिखवा दिया, हाँ अब इस लिख लिख लीजिए इसको भी, ठीक है। तो बस आपको इतना ही याद रखना है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, कि प्रत्येक ज्वार के बीच में 12 घंटे 26 मिनट का अंतराल होता है। हेमावती कावेरी नदी की सहायक नदी है। उसके बाद हम बात करते हैं आपसे, सहायक नदी ये हो गई, दामोदर नदी हुगली नदी में गिरती है, और भारतीय यूनिट ट्रस्ट का मुख्य कार्य छोटी बचतों को बढ़ावा देना होता है। सेट 36। SMS की फुल फॉर्म क्या है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज। और मानव शरीर में ऑक्सीजन की प्रतिशतता कितनी परसेंट होती है, 65। विली विली ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। कल्प योजना प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित होती है, और भारत में विदेशी आक्रमण 11वीं शताब्दी में हुआ था, और दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। तो फ्रेंड,
आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। इन तीनों किताब के वीडियो देखने के लिए आप क्लिक करें स्पीडी रेलवे जीके की प्लेलिस्ट को। वहां पर आपको ये तीनों के तीनों बुक के वीडियो मिल जाएंगे, तो आप इन सभी वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। लेकिन प्रायोरिटी आप पहले रखना कि इस बुक के वीडियो सभी देखिएगा, उसके बाद में इस बुक के वीडियो को देखिएगा, उसके बाद में इसमें सेट है आपके 40 क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, उन सबको अटेम्प्ट करके देखिएगा। अगर आपका इसमें स्कोर कम आता है तो आप ये मान लेना कि आपने ये दोनों बुक तरीके से नहीं पढ़ी है। दोबारा से इस बुक को फॉलो करना, ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि क्या पता आपके वन टाइम क्लिक करते ही सब आपको अच्छे से याद हो जाए, ऐसे में उम्मीद करता हूँ। और इस वीडियो को बस यहीं पर मैं विराम करता हूँ और बोलता हूँ आपसे कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से। तो बस जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछा है, क्या पूछा था मैंने? जजिया कर कब समाप्त करा था अकबर ने, वो वर्ष मुझे आप कमेंट करिएगा। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछे थे, मुझे काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स आए थे, क्योंकि वो सभी हैं एक्चुअली एक एक्टिव स्टूडेंट, वो है सभी एक सीरियस स्टूडेंट। ये नहीं कि बस वीडियो देखा क्लोज करा बस सो गए, ऐसा नहीं है। आप किसी भी चैनल को फॉलो करते हैं, अगर वो कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो आपको ये जानना चाहता है कि आप खुद की काउंसलिंग खुद करें। अगर अगर आप भूल रहे हैं, रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी बात कैसे बनेगी, सिलेक्शन कैसे होगा, जरा सोचिए ना एक बार। तो प्लीज़ यार मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई कम से कम आप पक्का करना। अगर आप एक्टिव स्टूडेंट हैं तो, एक्टिव नहीं है फिर तो जय माता दी, देखा जाएगा जो होगा। देखना मुझको नहीं है, देखना अपने अपने आप को है, क्योंकि जॉब लगेगी आपकी, सैलरी मिलेगी आपको, दिल्ली से शिफ्ट वापस गांव या घर जाओगे खुशी खुशी आप लोग, मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है? तो बस मेरी बातों पर विचार करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ हिट द लाइक बटन।